ना बने गंदगी कर, बज ना बने जब गंदगी करी। ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें बजनाथ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे बैठे, बैठते से गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से दो पुष्प और हाथ में से एक पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे ये पुष्प नाच के तरंग भरा कर तीन पुष्करणियों का निर्माण गिरे। यज्ञ करना भीतर हम जाग गया थोड़ा सा, दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्व अपनी होना चाहिए, कहां करा जाए, जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाए। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात करते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन करना, अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव निवेदन है, मत कर बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तुम्हें पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। तुम्हारा